स्वामी महाराज की जय। हम लोग यहाँ पर सिमंदर स्वामी जैन दादाबाड़ी भैरव सोसाइटी में है। यहाँ पर है आज महिला मंडल का जन्माष्टमी और श्रीमती ममता चोपड़ा जी का 119 का जाप था, उनका बहुमान है। स्नेह बरड़िया जी है अध्यक्ष है, क्या कुछ कहोगी स्नेह जी? सबसे पहले तो तपस्वी को मेरा बहुत बहुत वंदन अनुमोदना कि आप में जो परम शक्ति है कि आप आज 120-119 उपास करे हैं, यही शक्ति परमात्मा हमें भी दे, इतनी ऊर्जा हमें भी भगवान दे। जिस तरीके से हमारा मंडल पिछले 20 सालों से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसी ऊर्जा के साथ और आगे बढ़े। हर क्षेत्र में हम चाहे गौरक्षा हो, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई में योगदान हो, गुरु इक्तिसा हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से हम आगे हैं, इसी तरीके से और आगे बढ़ते जाए। ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रक्षा लुक्कड़ जी। आपका? सपना भंसाली। रश्मि डागा। मयूरी गुलछा। पूनम बरमठ। माया सुराना। भावना संतलेचा। प्राची बरडिया जी। आपका? रेखा गुलछा। पिस्ता क्वचर। ललिता मांडोत। कीर्ति लोढ़ा। नेहा झाबक। ममता जी, आज आपका बहुमान हुआ, क्या कुछ कहेंगे मंडल के लिए, सिमंदर मंडल की जो महिला है जी? सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद जी मंडल को जी, जी। कि आपने मुझे याद किया जी, बहुत अच्छी बात है। सूरज झाबान की। आपका हो गया? रितु डाकलिया। सुशीला छाजड़। नीता सेठिया। ममता नाहर। स्मिता गोलछा। राधिका सेठिया। नंदा बर्मठ जी। मंजू कोठारी जी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, तप हो जिसका जीवन, तप हो जिसका जीवन, निर्मल बने उसका मन, निर्मल बने उसका मन, अंधकार से दूर हो अमन, प्रकाश से हो जीवन सजन, प्रकाश से हो जीवन सजन। सिमंदर महिला मंडल एवं खतरगश महिला परिषद के तत्वाधान में आज हमने ममता जी के अनुमोदन के लिए ये छोटा सा एक कार्यक्रम रखा भक्ति के माध्यम से। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें भगवान की सुंदरता दिखाई देती है, जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें भगवान की वो शक्ति दिखाई देती है, जब हम स्वयं आईने में अपने आप को देखते हैं तो भगवान की बनाई हुई सुंदर रचना को देखते हैं। तो ये सुंदर संसार की रचना, और उसमें आज छत्तीसगढ़ में 119 तप की आराधना, ये एक अपने आप में ना सोचने वाला विषय, मतलब हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी श्राविका जो 119 में है, और अभी उनकी भावना बहुत आगे बढ़ने की है। तो सिमंदर महिला मंडल, खतरगश महिला मंडल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और हमारा मंडल विगत 20 वर्षों से सारे, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या जो जहाँ पे भी जहाँ योगदान बनता है, हमारी यह संस्था हमेशा सेवा के लिए आगे रहती है, और हमेशा हम आगे रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार है। जब अपनी सूरत देखते हैं आईने में तो बहुत सुंदर दिखती है। मैं तो सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मंजू कोठारी जी बहुत सुंदर है, ये बात कही। तो आप सब महिलाओं का जितना भी है, आपसे शक्ति है, और शक्ति का आपने प्रतीक आज ममता चोपड़ा जी को देख लिया है कि 119 तब आराधना करना आसान बात नहीं है। आपने बहुमान किया, आपका आपकी अनुमोदना है। इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहें आप लोग, और धर्म के रास्ते पर चलते रहें, तप आराधना साधना करते रहें। जय जिनेन्द्र। मैं नरेंद्र ठाकुर के साथ में तपेश जैन।